Hello everyone, I Akshita Sharma welcome you all back to the maths class. Children, today we are going to start our new chapter. This is chapter number 6, understanding the fractions. Okay, as you know, till previous classes we have completed till chapter number 5, multiples and factors. So it's time to start something new here. We are going to learn about fractions here. Kis tarah se hum group of objects mein ek cheez ko baatte hain, jise hum numerator upon denominator ki help se show karte hain. This is what fraction is, and today we are going to learn fractional part of a group of objects. Okay, और आप आगे सीखेंगे कि हम fraction को किस तरह से number line में भी show करते हैं. So let's start our class here. We will understand this with the help of one example that is shown as a story problem here. Fractional part of three group of objects. So there are kids like just you, Mohan and Sneha. They were eating food. Both have finished their chapatis at the same time then. बच्चों, यहाँ पे आप ही की तरह मोहन और स्नेहा हैं, ये अपनी मम्मी के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं. ओके, मम्मी खाना पकाती जा रही हैं और उन्हें देती जा रही हैं. जैसे ही ये खाना खा रहे हैं, आपको यहाँ पर दिया गया है कि उनकी चपाती सेम टाइम पे फिनिश हो जाती है. अब उनकी मम्मा क्या करती हैं, देयर मदर टुक अ चपाती फ्रॉम स्टोव एंड ब्रोक इट फ्रॉम मिडल एंड गेव वन पीस टू ईच अदर. ठीक है, तो वो इक्वली बांट देती है एक चपाती को, आधी स्नेहा को दे देती हैं और आधी मोहन को दे देती हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. हाउ मच चपाती इज गिवन टू मोहन एंड स्नेहा, दिस वी हैव टू शो विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन कि मोहन और स्नेहा को कितनी कितनी चपाती मिली है, ये फ्रैक्शन में हम किस तरह से दिखाएंगे. बच्चों देखिए, दिस इज जस्ट लाइक चपाती यू हैव गॉट, इसे हमने हाफ डिवाइड किया है. दिस इज शेयर ऑफ मोहन एंड दिस इज शेयर ऑफ स्नेहा. तो एक चपाती को इक्वली डिवाइड करा गया है. अब फ्रैक्शन में हमें शो करना है, इसका मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में शो करना है. न्यूमरेटर में देखिए कितनी चपाती थी, टोटल वन. इसे कितने भागों में बांटा गया, दो में. सो वन अपॉन टू इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस चपाती मोहन एंड स्नेहा बोथ हैव गॉट. एज यू आर राइट, हाफ ऑल्सो सेज वन बाई टू. जैसे हम बोल देते हैं हाफ हाफ कर लो, हाफ का मतलब क्या होता है बच्चों, वन बाई टू. दिस इज हाउ वी शो इट विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन. नाउ लेट्स मूव फर्दर. इफ वी डिवाइड थ्री चपातीज बिटवीन मोहन एंड स्नेहा इन द सेम वे, देन वॉट इज द शेयर ऑफ ईच. यहाँ पर पूछा गया है कि आपको तीन चपाती इक्वली डिवाइड करनी है मोहन और स्नेहा में, तो आप किस तरह से शो करेंगे फ्रैक्शंस की हेल्प से. देखिए यहाँ पर अच्छे से समझने के लिए हमने डायग्राम की हेल्प से शो किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टोटल थ्री चपातीज, दिस इज वन वन एंड वन. अब क्योंकि यहाँ दो में हमें इक्वली डिवाइड करनी है, तो एक एक पूरी जो चपाती है, एक स्नेहा को मिल जाएगी, एक मोहन को मिल जाएगी. जो बाकी की एक होती है, उसे हम क्या करेंगे, हाफ हाफ डिवाइड करेंगे. तो हाफ ऑफ द पोर्शन स्नेहा विल गेट, अदर हाफ ऑफ द पोर्शन मोहन विल गेट. अब इनके पास एक एक जो है वो पूरी मिल चुकी है, सो वॉट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ ईच. एक उन्हें पूरी मिल गई है प्लस वन बाय टू, एक और आधी मिली है पूरी. ठीक है, तो उसे हम कैसे शो करेंगे, वन प्लस वन बाय टू. नाउ लेट्स मूव फर्दर. दिस इज अनादर कंडीशन, व्हेन वी डिवाइड इक्वल पार्ट ऑफ अ चपाती अमंग थ्री किड्स. यहां पर हमें एक चपाती तीन बच्चों में बांटनी है. ईच ऑफ देम विल गेट वन थर्ड पार्ट ऑफ इट. सबको इक्वली पार्ट मिलेगा, वन थर्ड पार्ट मिलेगा. One third is equals to 1 by 3. This is how we write in fractions. 1 by 3 or 1 over 3. Okay, children. So here this is shown with the example also. Here, for example, we have this chapati. इसे हमें कैसे divide करना है? Equally divide करना है 3 parts में. ठीक है? तो हम numerator लेंगे 1 और कितने में divide करना है? 3. तो हर बच्चे को कितना मिलेगा? 1 by 3rd of the portion. That is 1 by 3 of the chapati this each child will get. Now let's move further. Here we have the second condition. Similarly, if one chapati is equally divided among four kids, यहाँ पर एक चपाती को हमें किस में divide करना है? चार बच्चों में करना है. Each of them will get one fourth part. इसका मतलब हर को कितना part मिलेगा? सबको one fourth part मिलेगा चपाती का. One fourth is equals to 1/4, which is also said as 1/4 or 1/4. Okay, if we have one chapati, इसे equally हमने four part में divide करा है. So numerator, you know, will be one. कितने में divide करा है? Four. तो यहाँ पर one को बोलते हैं हम numerator
और 4 यहाँ पर है डिनोमिनेटर, दैट इज द नंबर इन विच वी हैव डिवाइडेड वन होल पार्ट. नाउ लेट अस टेक अनदर कंडीशन हियर. Find out by making diagram. First part is divide equal parts of a chapati among 5 kids and find out how much part each will get. So children, this is same like we have done in the previous parts also. How we have solved, ek chapati hai usse 3 mein divide kara, 1/3 ho gaya. 4 mein divide kara, 1/4 ho gaya. One equal chapati ko equal parts mein divide karna hai. Aur yahan pe hame kitne mein karna hai? 5 kids mein, 5 bachcho mein divide karna hai. To एक चपाती के 5 इक्वल पार्ट जब हम करेंगे, हर बच्चे को कितना पार्ट मिलेगा? 1/5. सो 1/5 इज द फ्रैक्शनल पार्ट. दैट मीन्स 1/5 ऑफ द पार्ट ईच चाइल्ड विल गेट. सो 5 इक्वल पार्ट वी हैव डन ऑफ 1 चपाती, दैट इज 1 इज न्यूमरेटर एंड 5 इज डिनोमिनेटर हियर. नाउ लेट्स टेक अनदर कंडीशन हियर. सेकंड, डिवाइड 4 चपातीज इक्वली अमंग 3 किड्स एंड फाइंड आउट हाउ मच पार्ट ईच विल गेट. बच्चों यहाँ पर एक चपाती नहीं है, हमारे पास टोटल 4 चपातीज है, 4 रोटी है. 4 रोटी को हमें 3 बच्चों में डिवाइड करना है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, 1, 2, 3, 4, ये क्या है टोटल 4 चपातीज है. कितने बच्चों में बांटना है हमें यहाँ? 3 बच्चों में. फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड सी, दीज आर द 3 किड्स. अब देखिए 3 बच्चों में हमें 4 चपाती बांटनी है, इसका मतलब एक एक तो सबको मिल जाएगी. ये एक जैसे ए को मिल गई, ये बी को मिल गई एक, और सी को भी मिल गई एक. अब जो ये लास्ट वाली एक चपाती बचती है, इसका हमें इक्वल पार्ट करना होगा 3 बच्चों में, ठीक है. सो दिस विल बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट, और हर पार्ट का क्या फ्रैक्शन रहेगा? 1/3, 1/3, 1/3. जैसे ये 1/3 मिल गई है ए को, दूसरी 1/3 मिल गई है बी को, और लास्ट पार्ट जो 1/3 बचा है वो मिल गया है सी को. सो ईच चाइल्ड हैड गॉट 1+1/3 ऑफ चपाती. सो चिल्ड्रन, हियर वी हैव यूज विद द एग्जाम्पल ऑफ चपाती हाउ वी आर गोइंग टू इक्वली डिवाइड अमंग चिल्ड्रन. फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 5 पार्ट्स वी हैव डिवाइडेड. नाउ दिस फ्रैक्शन वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस ऑन नंबर लाइन. सो लेट्स स्टार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन. Ruby and Chetan are discussing with each other. So just like you, here we have got example of 2 kids here, Ruby and Chetan. What are they discussing? How to show numbers on a number line. So Chetan says, where 1+1/2 will lie on number line. यहाँ Chetan पूछता है Ruby से कि हम 1+1/2 को number line में किस तरह से show करेंगे. Let's see what Ruby answers. This number is greater than 1. ये number क्या है? 1 से बड़ा है, but less than 2. 1+1/2 क्या है? 1 तो पूरा है और 1 half है. इसका मतलब ये number 1 से तो बड़ा है but 2 से छोटा है. This is what Ruby says. So इट कम्स समवेयर इन बिटवीन 1 and 2. क्योंकि ये नंबर 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, इसका मतलब ये नंबर लाइन में कहाँ शो करेंगे हम? 1 और 2 के बीच में. लेट अस प्रैक्टिस हाउ इक्वली वी विल शो दिस. वी कैन डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 इन द इक्वल पार्ट्स हुज फर्स्ट पार्ट इज 1/2. इसमें क्या करना है बच्चों? हमें 1 और 2 के बीच में इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है. उसके बाद हम लोकेट करेंगे कि 1, 1/2 कहाँ शो होगा नंबर लाइन में. फॉर एग्जाम्पल हियर वी आर स्टार्टिंग आर नंबर लाइन विथ 0. 0 से लेके यहाँ 7 तक जाती है. देखिए 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7. यहाँ 0 से 1 जो एक यूनिट है उसके बीच में है इक्वल डिस्टेंस. सब में ले लीजिए आप 1/2, 2 से 3, 3 से 4, इन सब के बीच में इक्वल डिस्टेंस है. अब हमें क्या शो करना है? 1, 1/2 को शो करना है यहाँ पर. सो चिल्ड्रन, लेट्स मार्क 1, 1/2 इन द नंबर लाइन. यू कैन सी द नंबर लाइन हियर. वी हैव मार्क फ्रॉम 0 to 7 एंड इन बिटवीन वी हैव डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स. हमने यहाँ बीच में 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करा है बिटवीन 1, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3. ऑल आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. नाउ वी हैव टू लोकेट हियर वेयर 1, 1/2 लाइज. तो देखिए 1 तो पूरा होगा, सो दिस इज वेयर 1 इज. 1/2 क्या है? 2 से आधा है. इसके बाद देखिए हमने 1 और 2 के बीच में कितना डिस्टेंस लिया है? 4 पार्ट्स का. दिस इज 1, 2, 3 और 4. इसे कैसे शो करते हैं हम? दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ टोटल 4 parts, so this is 1/4. Second is the second part of total
four parts. So this is 2 by 4. Then it is 3 by 4 and 4 by 4. हमें यहाँ mark करना है 1 by 2, मतलब half. ये half कितना होगा? 2 by 4 होगा. Because children, when you convert this into simpler form, वो किस तरह से करता है? 2 ones are 2 और 2 twos are 4. So this here 2 by 4 is equals to 1 by 2. So this part is equals to 1 plus 1 by 2. We will practice it more, children. Now see here what we have understood. Yes, this is said by Chetan. I understood this is more than 5 and less than 6. Therefore, divide the distance between 5 and 6 in 4 equal parts. यहाँ अब हम शो करेंगे 5 और 6 के बीच में किस तरह से लेना है हमें. जैसे हमने पिछले पार्ट में लिया है 1 1 by 2 को, यहाँ हम लेंगे 5 1 by 2 को. इसका मतलब 5 तो कंप्लीट है, उसके बाद का हाफ है. सो लोकेट हियर 5 इन दिस नंबर लाइन. सेम वे वी हैव फ्रॉम 0 to 7. ओके, ऑल आर डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स. तो यहाँ हम 5 ईजिली देख सकते हैं. दिस इज द होल पार्ट. 5 और 6 के बीच में 4 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइडेड हैं. अब हमें 1 by 2 लोकेट करना है, इसका मतलब जस्ट हाफ पार्ट. वो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए 5 1 by 4 2 by 4. तो ये जो आधा वाला पार्ट है, दिस इज द हाफ पार्ट बिटवीन 5 and 6, चिल्ड्रन. ओके, नाउ वी विल प्रैक्टिस इट मोर इन द नेक्स्ट क्लास. दिस क्लास वी जस्ट हैड द इंट्रोडक्शन टू फ्रैक्शंस एंड वी हैव इंट्रोड्यूस्ड नंबर लाइंस ऑन फ्रैक्शंस. सो चिल्ड्रन, प्रैक्टिस इन द सेम वे. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. इन नेक्स्ट क्लास वी विल प्रैक्टिस फ्रैक्शंस मोर. वी विल सॉल्व द एक्सरसाइजेस ऑल्सो एंड वी विल कन्वर्ट फ्रैक्शंस इन टू डेसिमल्स, डेसिमल्स इन टू फ्रैक्शंस, एटसेट्रा. थैंक यू एवरी वन. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. I will see you all in the next class.